गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम फिजिकल एजुकेशन में ये वाला चैप्टर समझेंगे कि हमारे संविधान के मूल आधार क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका अधिकार, समानता का अधिकार। भारत के सभी नागरिक समान हैं। राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के कारण कोई भी भेदभाव नहीं करता। कानून की दृष्टि में हम सभी व्यक्ति समान हैं। सार्वजनिक उपयोग के स्थानों में, जैसे कि अगर हम होटल में जाते हैं, मनोरंजन के स्थान, पार्क, नदी आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति बेरोक टोक आ जा सकता है। सभी को सरकारी नौकरी पाने का समान अधिकार है। किसी को अछूत समझना अपराध है। आप लोगों को बच्चों याद होगा, जब मैं आपको SST पढ़ा दी थी तब आपका इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि एक व्यक्ति जब सरकारी नौकरी के लिए जाता है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई, आपके पिताजी जो हैं वो नौकर हैं और आपको भी ये नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप जो है 4th क्लास उसमें आवेदन पत्र डालें। तब उस व्यक्ति ने क्या किया था, तब उस व्यक्ति ने जो है अपने समानता का अधिकार का उल्लंघन हुआ था, उसके साथ गलत हुआ था, इसलिए उसने लेटर लिखकर एप्लीकेशन दी थी कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है और ये मेरे अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसी तरीके से समानता का अधिकार क्या है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं सार्वजनिक जगह पे, होटल पे, मनोरंजन में, पार्क में, नदी या फिर कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग अक्सर देखते होंगे हम किसी के साथ भी कहीं या फिर होटल वाले या फिर मनोरंजन के स्थान पर पार्क वाले आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि नागरिकों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अधिकार प्रजातंत्र के एक स्तंभ के रूप में माना गया है। हमारे स्वतंत्रता के अधिकार क्या क्या हैं, देखिए, सबसे पहला है हमारा लेखन तथा भाषण द्वारा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। दूसरा, जैसे कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने विचार, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम अपने विचारों को जो है या तो भाषण के जरिए या फिर लेखन के जरिए हम उसको प्रकट करें, ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा, शांतिपूर्ण सभा को करने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप देखते हो कि कहीं पर भी रैली वगैरह निकलती है या फिर चुनाव होने को होते हैं तो लोग अपनी अपनी रैलियाँ निकालते हैं, सभा बैठाते हैं, तो उनका एक अधिकार है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से, अगर वो गलत तरीके से कानून से उल्लंघन करके कुछ करते हैं तब वह आपके स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आएगा, तब वह कानून का विद्रोह होगा, लेकिन आप शांतिपूर्ण सभा करने की आपको स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी निवास करने या फिर बसने की स्वतंत्रता है। संपत्ति कमाने, रखने व व्यय करने की स्वतंत्रता है। अपनी इच्छा अनुसार आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है, यानी कि हम अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, या फिर हम बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर हम घर में रह के छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, या हम बाहर जाके कोई जॉब करना चाहते हैं, इस सब की हमें स्वतंत्रता है कि हम अपनी इच्छा से ये सब कर सकते हैं। फिर थर्ड अधिकार है आपका शोषण से रक्षा अधिकार। किसी स्त्री, पुरुष या बच्चे का क्रय विक्रय करना अपराध है। मतलब किसी भी स्त्री का, पुरुष का या फिर किसी बच्चे को खरीदना या फिर किसी को बेचना, ये अपराध है। नागरिकों से कोई व्यक्ति बिना पारिश्रमिक दिए जबरदस्ती कार्य नहीं ले सकता। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आप दास बना लें और उसको उसके काम का, उसे जबरदस्ती कोई कार्य कराएं और उसको कार्य के बदले कोई भी पैसे ना दें, तो ये उसका जो है शोषण हो रहा है। ऐसा करना क्या है, दंडनीय अपराध होता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या उनके अस्वास्थ्य कर कार्यों में लगाना अपराध है। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी, जैसे कि कारखाने हैं, जो खदानें हैं या फिर कुछ ऐसी जगह जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, वहाँ पे उनको काम करवाना, ये अपराध के अंतर्गत आता है और ये सारे आपके शोषण से रक्षा के अधिकार हैं। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारे देश में देखिए अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारा देश इसीलिए क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यहाँ पर सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता है, यानी कि हम अपने अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। सभी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। विभिन्न धर्मों के लोगों का ये अधिकार है कि वे धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाएं भी बना सकते हैं। फिर आपका 5, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, देखिए हमारे देश में सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं,
उनको सबको संरक्षण करने का अधिकार है हमारा। भारत के किसी भाग में यदि नागरिकों का अल्पसंख्यक वर्ग है जिनकी भाषा, लिपि, संस्कृति है, तो उसे अधिकार है कि वह उसकी रक्षा करे, क्योंकि अल्पसंख्यक अपनी इच्छा के अनुसार विद्यालय भी खोल सकता है। देश के सभी नागरिकों को देश या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। फिर आपका न्याय पाने का अधिकार, संविधान ने भारत के उच्चतम न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया है। यदि सरकार का कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है तो नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय की शरण जा सकते हैं। तो बच्चों, आज के टाइम में हमें अपने अधिकार पता होने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें से अगर आप देखते हो आपके साथ या फिर आपके आस पास में कहीं पर भी आप देखते हो कि इन अधिकारों के विरुद्ध किसी के साथ में कुछ भी हो रहा है गलत, तो आप उसको अपने अधिकारों के प्रति अवगत करा सकते हो, उनकी इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारा किसी तरीके से भी हमारे अधिकार जो हमें मिले हुए हैं और उसका उल्लंघन हो रहा है, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम इन अधिकारों की वजह से अपने साथ न्याय कर सकते हैं। और किस तरीके से कर सकते हैं, हम नागरिकों को सीधे उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। वहाँ पर हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ पर हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो हमें आज के टाइम पे हमें हमारे अधिकार सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।